हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करती मैं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसा फ्रूट जो आपने आज तक कभी नहीं खाया होगा, तो मैं अभी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। मैक्सिमम लोगों ने वो प्लांट देखा होगा और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस प्लांट के जो फ्रूट होते हैं उन्हें भी खाया जाता है, और साथ में जो उसके पत्ते होते हैं तो उसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो चलिए दिखाती मैं आपको वो कौन सा फ्रूट है। तो तब तक मैं लाती हूँ, तो उसे अकेले लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं शूट नहीं कर सकती, तो उसमें कांटे भी होते हैं। तो तब तक आप व्यू देखिए, तब तक मैं उस फ्रूट को लाती हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो देखिए वो ये फ्रूट, तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसमें कांटे भी होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना किस किस ने ये फ्रूट पहले खाया है। तो ये रहा वो कैक्टस का फ्रूट। तो इसे बोलते हैं हिंदी में नागफनी का फ्रूट, क्योंकि जो इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये मैंने आधा काट के लाया है, तो इसमें कांटे भी होते हैं, तो इसको थोड़ा संभाल के पकड़ना पड़ता है। तो कांटे मैंने इसके रिमूव कर दिए हैं। जो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो नागफनी है, जो उसके पत्ते होते हैं वो नाग की शेप, जो फन होते उस शेप में होते, इस तरह के कुछ, तो इसलिए इस प्लांट को नागफनी कहा जाता है। तो मुझे बताना किस किस ने इस फ्रूट को ट्राई किया पहले। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। पहाड़ होता है उसको तो आपने देखा ही होगा, और जो ये ग्रो होता है ऐसे ही पत्थरों के ऊपर और जहाँ पर थोड़ी ड्राई मिट्टी होती है उधर, तो जो फॉरेन कंट्री होती है उसमें तो इसे, वहाँ पर तो इसे स्पेशली उगाया जाता है और इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो मैक्सिमम ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो आपके स्टेट है उनमें भी उगाया जाता है स्पेशली, तो वहाँ साइड के लोग इसे ज़्यादातर खाते हैं। तो हिमाचल में तो पता नहीं किसने खाया होगा या नहीं, तो मैं तो इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। और ना इसको तोड़ते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसे डंडे की सहायता से या फिर आप छुरी से कट कर सकते हो, लेकिन जो उसकी झाड़ है तो उसकी मैं आपको इमेज दिखा दूंगी इधर। और इसे बोलते हैं प्रिकली पियर, इस फ्रूट का नाम है प्रिकली पियर, क्योंकि ये थोड़ी नाशपाती की शेप में होती है, इसलिए इसका नाम प्रिकली पियर है। माइक्रोस्कोपिक कांटे होंगे छोटे छोटे, जो आपको नहीं दिखेंगे फिलहाल। तो इसको कट करने का भी एक तरीका होता है। आल्सो इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, तो बताया जाता है कि जिनको पीलिया या जॉन्डिस होता है ना, तो उनके लिए फ्रूट किसी वरदान से कम नहीं है, और इस फ्रूट का जूस भी बनाया जाता है। तो देखते इसका टेस्ट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम इसे गैस की जो फ्लेम होती है उसको धीमा करेंगे, और इसके जो कांटे हैं सबको जलाएँगे। तो चलिए उसके लिए हमें किचन में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। तो जी ला लिया हमने इसे, अच्छे से फ्लेम पर जलाया इसे, तो इसके कांटे अब निकल गए हैं और इसे वॉश किया है। तो इसको कट करने का भी एक तरीका होता है, और जो जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी ये फ्रूट अच्छा होता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे कट करेंगे, यहाँ से एक कट यहाँ से लगाएंगे, तो ज़्यादा पक गया है। जो राइप पका होगा तो आप उसी फ्रूट को लाना, कच्चा मत लाना। तो इस तरह से, और बीच में से इसको यहाँ से ऐसा करेंगे ना, तो इस तरह से इसका छिलका इजीली निकल जाता है। तो देखिए कट मैंने इसे कर लिया है, इसका छिलका बाहर से, तो यहाँ पर इसके छिलके हैं। तो ये रहा आपका फ्रूट,
ये है इसका अंदर वाला फ्रूट। तो चलिए देखते कैसा रहेगा। तो बहुत ही जूसी हो गया है क्योंकि ज़्यादा पक गया है वे। और इसके अंदर जो बीज होते हैं उसको आप खा भी सकते हो और या ऐसे साइड निकाल सकते जैसे और फ्रूट में भी होते हैं। तो इस फ्रूट में पाई जाती है नेचुरल शुगर। बिल्कुल मीठा है और जिसमें बीज है उसका साइड भी फेंक सकते हो बाद में और जो चबाना चाहिए वो खा सकते हो। तो मैं इस अपने भाइयों को भी टेस्ट कराऊंगी। तो अभी वो फ़िलहाल घर में नहीं है तो उनके लिए बचा के रखती हूँ। तो पूछती हूँ किस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा उनका इसको टेस्ट करने का। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, जो ज़्यादा मीठा खाते तो उन्हें तो अच्छा लगेगा। और आल्सो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, जैसे मैंने बताया खून की कमी को दूर करता है, जॉन्डिस में बिल्कुल मदद करता है, उनके लिए तो तरह से वरदान वाला फ्रूट है ये। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप सभी को एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।